तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम 2NR का 1 आवर OTP प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सब कुछ विद लाइव प्रूफ के साथ होगा, नंबर्स भी निकाल के आपको दिखाऊंगा कि ये ले जनाब लाइव प्रूफ के साथ नंबर, और साथ साथ में ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सा मेथड आप लोगों ने फॉलो करना है, तो तब आपका जो चांसेस होती है OTP का वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर अपने टॉपिक को आगे स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप लोगों को पता है डेली बेस पर इसी चैनल पर आपको काफ़ी अपडेट्स मिलती है। तो देर किस बात की, चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये बात करते हैं कि ये जो 2NR न्यू लेटेस्ट वर्जन है ये आप लोगों को कहां पर मिलेगा। तो जनाब आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, ये देख सकते हैं। तो ये वाला जो एप्लीकेशन है ये काफ़ी वर्किंग है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह आपको नहीं आएगी। और इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाई है कि किस तरीके से आप लोग जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है लॉगिन का वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसी वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, एंड साथ साथ में आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं इसके अंदर मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की है। चलते हैं 1 आवर OTP प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये देख सकते हैं मैंने 2NR को ओपन कर दी। अब जैसे ही ओपन कर दी तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने इसके अंदर नंबर्स ऐड की है, ठीक है। अब आप लोग सोचते होंगे कि यार मिस रेडी ये पता नहीं आपने कौन से नंबर सेव की है इसी वजह से आपके पास OTP आता है। तो ये जो मैथड है ये अभी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम नंबर को ट्राई करते हैं कि ये जो मैथड है वाकई में वर्किंग है या वर्किंग नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर मैंने सेव की है। अब इसमें जो OTP का चांसेस होगी वो यहाँ पर होगी 7 से लेके 80% यहाँ पर OTP का चांसेस होगी। 5 नंबर्स में 2-3 नंबर्स का चांसेस जरूर होगा। चलते हैं यार ट्राई करते हैं, ट्राई से कुछ नहीं होता। आप कोई भी व्हाट्सएप को यूज कर सकते हैं, बिजनेस भी यूज कर सकते हैं, ऑफिशियल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरे पास सिर्फ एक स्पेस बाकी है बिजनेस की, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बिजनेस को ओपन कर दी। इसके बाद हमारा जो कंट्री है आपको पता है +48 है, तो ये रिमूव करके आप लोगों ने 48 लगा के आप लोगों ने नंबर को भी पेस्ट करना है। अब पेस्ट करने के बाद लाइव प्रूफ के साथ देख ले जनाब कि हमारे पास चांसेस कितना होती है और OTP वाकई में आता है आज की डेट में कि नहीं। तो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, वेरीफाई अनदर वे, एंड इसका जो SMS है आप लोगों ने सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद हमारा जो फर्स्ट ट्राई है वो मतलब नाकाम हो गई। या टेंशन नहीं लेना, अब आप लोग सोचते होंगे कि फेक वीडियो है यार, थोड़ा सा रोके वीडियो पर तो फिर बात करते हैं, ठीक है। मेथड के बारे में भी समझाता हूँ, लेकिन प्रूफ आपको पता है मैं हर वीडियोस के अंदर प्रूफ दिखा दे, तो आप लोग विदाउट प्रूफ मुझे पता है काफी बेट्स कमेंट कर रहे होंगे, इसी वजह से हर वीडियोस के अंदर प्रूफ अवेलेबल होगा मेरा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है, देखते हैं कि प्रॉब्लम्स आती है या नहीं आती। यार इसी नंबर्स पे तो काफी प्रॉब्लम आती है, अपडेट मेरे यार से अच्छी नहीं होगी। चलते हैं यार, एक नंबर तो जरूर निकलेगा, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, एक नंबर जरूर निकलेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये मेथड मुझे पता है कि ये 100% वर्किंग है। चलते हैं मैं नंबर को ट्राई करके आपके सामने आपको दिखा देता हूं। गाइस आप लोगों ने देख लिया ना, थर्ड नंबर का OTP तो सेंड हो चुका है, लेकिन यार कोई भी ऊपर नोटिफिकेशन दिखाई नहीं दे रहा। तो वेट करते हैं, इंशाल्लाह आ जाएगा OTP। ये देख सकते हैं नोटिफिकेशन भी आ चुका है, एंड हमारा जो OTP है वो सेंड हो चुका है लाइव प्रूफ के साथ। देख ले, बाद में मुझे ये ना कहना कि आपने हमें प्रूफ नहीं दिखाया। चलते हैं 2NR को ओपन करते हैं, एंड SMS के ऊपर हम यहां पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हमने क्लिक कर दी तो ये ले जनाब आप लोगों का OTP आप लोगों के सामने है, यूअर व्हाट्सएप बिजनेस कोड। चलो इसको ओपन करते हैं, एंड 931025 इसको हमने कॉपी कर दी। अब कॉपी करने के बाद ये हम इस टाइप जो है यहाँ पर पेस्ट करेंगे, तो ये ले जनाब हमने यहाँ पर पेस्ट कर दी। लाइव प्रूफ के साथ हमारा जो नंबर है वो वेरीफाइड भी होने जा रहा है। तो जनाब ये देख सकते हैं हमारा जो नंबर है वो वेरीफाइड हो चुका है विद लाइव प्रूफ के साथ विदाउट एनी इशू, जो कि मैंने आपको बताया था ना कि OTP चांसेस ज्यादा होगा। ये मेथड इंशाल्लाह मैं आपको अभी समझा देता हूँ, आप लोग काफी ज्यादा होश होंगे इसी मेथड देखने के बाद, ठीक है ना। तो आपको कोई भी इंशाल्लाह प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, लेकिन वीडियो ध्यान से देख ले, कंप्लीट वॉच कर ले, तो तब आप लोगों को मेथड समझ आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी पैक यूट्यूबर्स की वीडियोस थोड़ा सा देखना बंद कर दे, थोड़ा सा जो है इसी चैनल को फॉलो कर ले, आपको इंशाल्लाह खुद भी पता चल जाएगा। यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है रेडी हो चुका है, नोट नाउ करते हैं, एंड 3 डॉट्स पे क्लिक करके सेटिंग के ऊपर क्लिक करूंगा। जनाब ये नंबर आप लोगों के सामने है, वहां पर भी आपको दिखा देता हूँ। चलते
हैं टू एनआर एप्लीकेशन के अंदर, इसको हम यहाँ से करेंगे बैक एंड यहाँ पर ये नंबर आप लोगों के सामने है, बिल्कुल सेम टू सेम नंबर है, ठीक है। व्हाट्सएप के लिए यार मेरे पास थोड़ा सा स्पेस इशूज है, ये आप लोग देख सकते हैं, काफी अकाउंट्स मेरे पास यहाँ पर लॉग इन है, ठीक है, मुख्तलिफ कंट्रीज का। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा दूँ, बाद में फिर आप लोग कहेंगे कि आपने हमें और प्रूफ भी नहीं देखा। ये सब के सब व्हाट्सएप मेरे पास पुल है, ये आप लोगों के सामने है, जितनी भी व्हाट्सएप है ये सब के सब यहाँ पर पुल है, कोई भी मेरे पास और स्पेस बाकी नहीं है। तो इसी वजह से बाकी मैं आपको ट्रिक समझा देता हूँ, ठीक है, उसी ट्रिक को फॉलो करके। तो चलते हैं मेथड के बारे में बात करते हैं कि ये मेथड कौन सी है, किस तरीके से हमने नंबर्स निकालनी है। तो कंप्लीट मेथड बता देता हूँ, लेकिन यार वीडियो लाइक करें, मजा आएगा यार। तो गाइस सबसे पहले इसी मेथड को फॉलो करने के लिए आप लोगों ने अपने टू एन आर को ओपन करें, वेट मैं सेकंड जीमेल को ओपन करके आपको नंबर्स भी साथ में दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने यहाँ पर अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना है लॉगिन करना है, अदरवाइज नहीं बना साइन अप पे क्लिक करके, तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने अकाउंट को लॉग इन करना है। ये देख सकते हैं मैंने अपने अकाउंट को लॉग इन करवा दी। तो इसके बाद आप लोगों को मेथड में समझा देता हूँ कि कौन सा मेथड को आप लोगों ने फॉलो करना है। अब नीचे देख सकते हैं प्लस वाला ऑप्शन है, प्लस के ऊपर टैप करना है। अब ये नंबर आप लोग देख सकते हैं, ये जितनी भी नंबर्स होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ नंबर्स आप लोगों ने यहाँ पे रिफ्रेश करना है, दो तीन नंबर्स आप लोगों ने इस तरीके से कर देना है रिफ्रेश, ठीक है। अब रिफ्रेश करने के बाद आप लोग क्या गलती करते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्ट अपने नेम वगैरह लगा देते हैं, नंबर आप लोग सेव करते हैं, तो ये जो मेथड है ना आपका बिल्कुल 100% रॉन्ग मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कौन सा मेथड को फॉलो करेंगे, यहाँ पर मैं जो ना क्लोन एप्लीकेशन को यूज करके पहला मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जनाब यहाँ पर मैंने अपना व्हाट्सअप को ओपन कर दी, यार इसी मेथड को फॉलो कर ले, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन चीज होगी रियल होगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है रियल चीजों में हमारा थोड़ा सा टाइम लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये नंबर आप लोगों ने यहाँ पर टाइप करना है, अगर ये नंबर वैलिड हो इसके साथ क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा ये सब आप लोग समझ ले, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक कर दी ये नंबर अभी वैलिड है, ठीक है। आप लोगों ने क्लोन एप्लीकेशन को यूज करना है और कोई भी व्हाट्सअप आप लोगों ने यूज नहीं करना। अब क्लोन एप्लीकेशन किधर मिलेगा, तो प्ले स्टोर पे जाके डुअल स्पेस सर्च कर ले आपको मिल जाएगा। इसके बाद ये इसके ऊपर टैप करना है एंड इसको यहाँ पर आप लोगों ने एसएमएस को सेलेक्ट करनी है। अब एसएमएस को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अगर प्रॉब्लम आती है ये देख सकते यू नीड टू स्पेशल वाला, तो इसके बाद अगर ये प्रॉब्लम आती है तो तब भी आप लोगों ने नंबर को सेव नहीं करना। पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था ना कि इस ये प्रॉब्लम आती नंबर सेव करना है, लेकिन न्यू अपडेट की वजह से आप लोगों ने सेव नहीं करना। क्या करना होगा, आप लोगों ने अपने रियल व्हाट्सएप को ओपन करना है, ये नंबर आप लोगों ने अगेन टाइप करना है, ठीक है। अब इसका जो रीजन है वो मैं आपको बता देता हूं कि ये मैं क्यों अगेन टाइप करता हूं, ऑलरेडी हमने तो एक बार चेक कर ली जनाब, ये मैं इसलिए टाइप कर रहा हूं क्योंकि अभी इसका जो चांसेस है वो लॉगिन नॉट अवेलेबल का होगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो ओटीपी सेंड होगा, तो उसके बाद क्या करना होगा वो बता दी। इसके बाद दूसरा मेथड है वो भी साथ-साथ में समझा देता हूं, तो इसी वजह से वीडियो ध्यान से देख ले, समझने की कोशिश कर ले। एसएमएस के ऊपर हम यहां पे क्लिक करेंगे एंड इसको थोड़ा सा वेट करेंगे कि अभी क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना होगा। ये देख सकते हैं आप लोगों ने देख लिया, अगर ये नंबर हमने सेव किया होता तो यार हमारा वन नंबर वेस्ट होता। अगर यहाँ पर ओटीपी सेंड होती है तो तब आप लोगों ने यहाँ पर नंबर को सेव करके नंबर पे जो ओटीपी है वो आप लोगों ने रिसेंड करना है, ओटीपी आपको जरूर रिसीव होगा। ये तो सिर्फ मैंने आपको एक मेथड बता दी, अभी दूसरा मेथड सुन ले, वो काफी आपको अमेजिंग लगेगा और इंशाल्लाह उसी मेथड से सबको नंबर मिलेगा। चलते हैं वो मेथड के बारे में बात करते हैं। ने प्लस के ऊपर टैप करना है, अब यहाँ पर आप लोगों ने क्लोन एप्लीकेशन को अगेन ओपन करना, या क्लोन नहीं आप लोग ओरिजिनल भी यूज कर सकते हैं दूसरे मेथड में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना जो नंबर है वो आप लोगों ने चेक करना है, नंबर को पुट करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट करेंगे अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड नंबर है, इसको बैक करके आप लोगों ने अगेन इसको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद जो मेथड बताता हूँ, ठीक है, तो दूसरा मेथड को आप लोगों ने मस्ट फॉलो करना होगा। यहाँ पर अगर नंबर बैंड हो तो उस पे आप लोगों ने रिक्वेस्ट लगा देना है, ठीक है। ये वीडियो के स्टार्ट में जो मैंने आपको प्रूफ दिखाए थे, जो नंबर मैंने सेव किए थे, ये सब के सब नंबर बैंड थे, मैंने रिक्वेस्ट लगा दी, अनबैंड हो गए। अनबैंड के बाद ओटीपी काफी ज्यादा चांसेस होती है, तो आप लोगों ने नंबर को अनबैंड करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों बस
ओनली यही मेथड है, ओनली इसी मेथड को आप लोगों ने फॉलो कर देना होगा, ठीक है। बाकी ट्वेनर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसा कि जेवा प्रॉब्लम वगैरह आती है, तो वो ऑलरेडी मैंने वीडियोस भी अपलोड की है, लेकिन अगर प्रॉब्लम्स आपको बार बार आती है, इसका डेटा क्लियर करके कैशी करके तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर फिर भी नहीं होती तो तकरीबन 3-4 घंटे के बाद अगेन आप लोगों ने ट्वेनर का क्लियर करके अगेन ओपन करना है तो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो नंबर बैंड होती है उसी पर रिक्वेस्ट लगा के और 6-7 आवर के बाद आप लोगों ने नंबर को अगेन ओपन करना है, ओटीपी सेंड करना है, तो जरूर आपको मतलब चांसेस ज्यादा होगी ओटीपी का। स्टार्टअप में मैंने आपको प्रूफ दिखा दी, ठीक है ना। तो बाकी कोई भी इश्यूज है तो आप लोग कमेंट कर ले, इंशाल्लाह कमेंट में आपको जरूर रिप्लाई मिल जाएगा। तो बहुत सारे अपडेट्स ऑलरेडी मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी शेयर की है, व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ मस्त शेयर कीजिए, और हाँ चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप लोगों को न्यू वीडियोस का अपडेट्स डेली बेस पे मिलता रहे। सो रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज।